इतना पटक दो जो साफ हो जाए। तो दो चम्मच हम डालेंगे इसमें आम की चटनी, हरे धनिये की और आम की चटनी। तो पिसा हुआ मसाले लाने से घर पर पीसने में अच्छा होता है। सवेरे से मैंने धनिया सुखाने के लिए रखा हुआ है, आजकल तो वैसे भी गर्मी है जल्दी सूख जाता है, तो हम इसको घर पर पीसेंगे। और ये ले रखा है मैंने जीरा, इसको भी गर्म करने रख दिया है। ये ले रखी लाल मिर्च, तो ये मिर्ची बहुत तेज वाली है, धनिया और जीरा ज़्यादा लगता है, मिर्ची तो थोड़ा सा में ही हो जाता है। तो धनिया तो हम बाद में पीसेंगे, सबसे पहले हम बना लेते हैं रेसिपी। तो आज हम बनाने वाले हैं छोले कुलचे। बहुत से कमेंट आए थे आंटी जी छोले कुलचे दिखाओ, तो हम दिखाने वाले हैं छोले कुलचे। बनाने के लिए सबसे पहले हम कुलचा बनाएंगे, उसके लिए हमको चाहिए मैदा। तो मैंने मैदा ले रखा है इधर, ले रखी है थोड़ा सा चीनी ले रखी है, नमक ले रखी है और खाने वाला सोडा ले रखा है। अगर आप कुलचे के आटे को अगर जल्दी बनाना है तो उसमें दही डाल सकते हो, अगर 5-6 घंटे के लिए रखना है तो उसमें दही की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम बिगर दही वाला बना रहे हैं, ठीक है। ये ले रखा है मैंने मैदा, तो इसमें मिलाएंगे खाने वाला सोडा, थोड़ा सा चीनी, छोटे चम्मच से चीनी ले रखी है और नमक, हल्का सा नमक डालेंगे। तो आज घर में बनने वाले छोले कुलचे? हाँ, आज हम घर पर ही बना रहे हैं। तो अच्छे से करते हैं मिक्स और पानी से गूंथ लेंगे और इसको रखेंगे हम 5 घंटे के लिए रेस्ट पे, यानी कि गर्म जगह पे रखेंगे जहाँ आटा हमारा फूल जाए। तो हमें स्टी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम घर पर बना रहे हैं। 5 घंटे ज्यादा नहीं हो जाएंगे? 5 घंटे ज्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि गर्म जगह में रखेंगे तो आटा हमने फुलाना है ना कुलचे का। तो ऐसी जैसी बनाएंगे वो तो रोटी बन जाएगी, तो हम इसको 5 घंटे के लिए रखेंगे। तो रखना जरूरी है? रखना जरूरी है, वो भी गर्म जगह पे। तो मैदे को गूंथ लेते हैं बढ़िया करके, ना ज्यादा हमने सॉफ्ट गूंदना है ना ज्यादा टाइट, बढ़िया सा बनाएंगे जैसे हम रोटी का आटा बनाते हैं। तो गूंद लेते हैं, फिर दिखाती हूँ आपको। तो आज तो कैमरा मैन की और मेरी पोती की चल गई है। कैमरा मैन क्या खाने का मन हो रहा था तेरा? छोले कुलचे। छोले कुलचे तो दुकानों में भी मिल जाते हैं, पर जो घर के होते हैं ना वो खा के देखना और बना के देखना लाजवाब। तो दिखाते हैं फिर गूंद कर, आटा गूंथ लेते हैं उसके बाद दिखाते हैं आप। तो आटे को थोड़ा सा पटक पटक के रखेंगे, पटकने से क्या होता है बढ़िया करके फूलता है। इतना पटक दो जो साफ हो जाए। आटा हमारा लग गया है, अब रख देंगे हम इसको रेस्ट पे। तो कैसे रखते हैं दिखाते हैं आपको। थैली में रखेंगे? थैली में रखेंगे। सबसे पहले हम इसको इस तरीके से गोल कर लेंगे, ज्यादा मैंने इसको गूंदा नहीं है, ठीक है, बाद में दिखाएंगे जब हमारा आटा अच्छे से फूल जाएगा। तो ये ले रखा है मैंने एक डोंगा, इसको हल्का सा गीला कर देंगे, ऐसे रख देंगे। अब लाइव में पन्नी, एक पन्नी की जरूरत पड़ेगी हमें, गरम जगह रखना है तो पन्नी के अंदर रख दो, बिल्कुल गरम जगह, कटोरे के अंदर। हाँ, और ऐसे करके इसको बांध दो। अगर चावल का ड्रम है ना उसके अंदर रख देंगे हम ऐसे करके। तो मैं तो रखने जा रही हूँ चावल के ड्रम में, फिर दिखाते हैं आपको 5 घंटे के बाद। उससे पहले हम थोड़ा सा छोले बना लेंगे। तो मटर को मैंने उबाल के रख दिया था, आधी सब्जी बना दी थी, आधे छोले चाट बनाने के लिए रख दिया। और ये ले रखे हैं मैंने धनिया, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, चटनी और नींबू। ये है आम की चटनी, पुदीने की चटनी और धनिये की, बहुत अच्छी सी बनी है, चटपटी सी और खट्टी, क्योंकि चाट में हमेशा खट्टा ही चाट अच्छी लगती है, खट्टी मीठी। तो सारा सामान आ गया? सारा सामान आ गया। तो हम बनाते हैं चाट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मटर लेंगे, उसमें मिलाएंगे टमाटर, एक काट रखा है मैंने बारीक, इसमें ही मिला देंगे प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया। देख के ही खाने का मन कर रहा, क्योंकि कुलचे में ना ऐसी चाटी अच्छी लगती है। और चटनी बड़ी बढ़िया पीसी है, चटनी बनाई है मैंने आम की, आजकल आम हो रहे हैं जहाँ तहाँ आम ही नजर आ रहे हैं, तो हमने कहा आम की चटनी बनाते हैं। तो इसमें थोड़ा पुदीना भी है, धनिया भी है, हरी मिर्च है, लहसुन है, प्याज है और चटनी है। तो 2 चम्मच हम डालेंगे इसमें आम की चटनी, हरे धनिये की और आम की चटनी। मक्खियाँ बहुत हो रही है, मक्खियाँ आ जा रही है चाट खाने के लिए। अब डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक, हाथों से ही डालेंगे, हाथों का स्वाद और अच्छा होता है।
अब डालेंगे इसमें लाल मिर्च चटपटी सी, ठीक है। बाकी तो हम इसको आधा इसमें नींबू निचोड़ लेंगे। नींबू तो मैंने कहा ना, नींबू आजकल खूब सूख गए हैं। पेड़ में भी लगे हैं हमारे नींबू, मैंने कहा जब अंदर पड़े हैं तो पेड़ से क्या तोड़ूं, नींबू भी निचोड़ लेंगे। अगर आपको ज़्यादा खट्टा चाहिए तो सारा नींबू डालना, और जब इसको सर्व करोगे ना तो ऊपर से फिर चटनी डाल के और खाना आम की। तो आप कर लेते हैं अच्छे से इसको मिक्स। कैमरामैन ने मक्खी की डर से हाथ में पकड़ा है, ये तो बहुत, अगर एक मक्खी बैठ गई तो ये खाएगा भी नहीं, हम भी नहीं खाएंगे, आप भी नहीं खाओगे। तो अच्छे से करते हैं चाट को मिक्स। क्या शानदार, कैमरामैन के मुंह में पानी आ गया, ऐसी राल टपकने लग गई। तो राल तो मेरी भी टपक रही है भैया, ऐसी चीज़ जब मिले तो कौन नहीं खाए, सभी खाएं, वो भी घर पर हेल्दी, है ना। तो ठेले वाले इसी तरीके से चाट बना के बेचते हैं ना, आपने कभी खाया भी होगा। तो बन गई है चाट, बन के तैयार। टेस्ट करके देखूं? टेस्ट करो नमक मिर्च कैसा हो रहा है। हरी मिर्च लगेगी तो बोई जाएगा। चटपटा हो रहा। पानी आ रहा। तो इसमें थोड़ा सा बाद में ना, जब हम इसको सर्व करेंगे ना कटोरी में ऐसे करके कुलचे के लिए, तो थोड़ा सा हम इसमें चटनी डाल देंगे चटपटी वाली, तो ऐसे करके खाएंगे फिर कुलचे के साथ। मुझे तो चटनी बहुत पसंद आती है छोले कुलचे में। अगर तो 5 घंटे हो गए हैं हमारे मैदे को, दिखाते हैं आपको पन्नी से निकाल के। तो पहले कैसा था आप देखिए, फूल के कितना बढ़िया हो गया है। तो ऐसी आटा हमको चाहिए था। 5 घंटे में हमारा आटा बढ़िया करके फूल गया, क्योंकि मैंने गर्म जगह पे रखा था इसको। तो अच्छे से थोड़ा सा और मल लेंगे, ये बिल्कुल फूला फूला हो गया है। तो ये मैंने लोई ले रखी है बड़ी सी, ज़्यादा छोटी भी नहीं लेनी है और ज़्यादा बड़ी भी नहीं, तो इसको बेल लेते हैं। तो कुलचे मोटे ही अच्छे लगते हैं, बेल लेते हैं। तो देखिए मैंने लंबा करके इसको बेल दिया है, तवा हमारा गर्म हो गया है, इसमें ऐड कर देंगे इसको, और थोड़ा सा पानी के छींटे लगाते हैं किनारे किनारे में, सीधे ढक्कन रख देंगे। हमारे कुलचे का क्या हाल हो रहा है, फूल के बढ़िया हो गया, इसको पलट लेते हैं। तो हल्का सा दबाएंगे, फिर से पानी के छींटे मार के ढक्कन रख देंगे। तो घर पर इसी तरीके से बनाए जाते हैं कुलचे। तो घर पर ही हम जब कुलचे बना सकते हैं तो बाजार से क्यों लाएं, क्योंकि वो इतने बासी होते हैं, उनको खिलाना बच्चों को बेकार होता है। घर पर हम बच्चों को खुश कर सकते हैं ऐसे कुलचे बना के, ठीक है। तो हमने इनको कुलचे का नाम दे दिया है, साथ में हमने चाट भी बना रखी है बढ़िया सी, तो बच्चे तो वैसे ही खुश हो जाएंगे देख के। तो ऐसे मोटे करके हमने बेल लेना है इनको। तो कुलचे को बना लेते हैं, इधर देखते हैं, अलट पलट के इनको पकाएंगे और बिल्कुल अंदर से जालीदार बनेंगे। तो कुलचे को निकाल देते हैं, ये देखिए कुलचा बनके हो गया है तैयार। तो कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी। तो अब हम लगाएंगे कुलचे में थोड़ा सा बटर। तो हमने इसमें लगा दिया है बटर, और कितने बढ़िया करके बने हुए हैं, पके भी अच्छी तरह से हैं। अब छोले भी ऐड कर देते हैं, वैसे तो पत्ते में और अच्छा लगता है, छोले जब पत्ते में डालोगे ना तब खाया जैसा लगता है। इसके ऊपर से थोड़ा सा डाल देंगे अदरक और चटनी और प्याज रखा था मेरा, मेरी पोती खा गई कटा हुआ प्याज। तो कैसी लगी आपको हमारी छोले कुलचे की रेसिपी दोस्तों। रेसिपी पसंद आ रही तो लाइक करना, मेरे चैनल में जाके सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलते हो ऐसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। तो तोड़ के दिखाते हैं आपको ये। तो हमारा कुलचा बनके हो गया तैयार, छोले के साथ खाने के लिए तैयार हो जाओ कैमरामैन। तो लीजिए दोस्तों ये आप लोगों के लिए।